जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर आज बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर सिलेंडर, पेट्रोल, प्याज, स्कूटी, सब चीज पड़ा है। आइए, हमारे साथ आज मौजूद है कई मंत्रीगण, कई विधायकगण, आइए इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। इतना महंगाई बढ़ गया है, क्या कहिएगा? क्या करेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। डेमोक्रेसी में हमें शक्ति दिया है कि हम अपने जनता के बीच में अपने आवाज को बुलंद करें, ताकि केंद्र सरकार की सुने और दाम घटाए। क्या आपको लगता है कि आप धरना देंगे तो महंगाई पर रोक लगेगी? ये हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जनता के वही अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। टमाटर दाल का माला पहने क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि आपके जैसे नौजवान के लिए देश में कोई भविष्य नहीं है। आज पाकिटमारी हो रहा है मोदी के राज में, सुबह दोपहर शाम तेल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम अब इतना बढ़ रहा है कि पॉकेट में तो कुछ है नहीं, अब पेटमारी हो रहा है। और खाने के सामान का दाम इतना बढ़ गया कि इस देश में भूख के खिलाफ सिविल वार होगा, निश्चित होगा, बेरोजगारी के खिलाफ सिविल वार होगा। और लाखों हजार करोड़ जो एक्साइज ड्यूटी गैस पर, डीजल पर, पेट्रोल पर मोदी काट के रखे जा रहे हैं, देश बेच करके जो पैसा अरबों जमा हो रहा है, क्यों नहीं इसका दाम घटा रहे हैं जब दुनिया में दाम पेट्रोल का प्रति बैरल घटा हुआ है? दुगुना नहीं, ढाई गुना हो गया, हजार पार हो गया। आज ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जुमला वाली सरकार जो बंडों की सरकार है, जिसको घर परिवार से मतलब नहीं है, बाल बच्चों का दुख दर्द जानता नहीं है, ये इतना क्रूड गवर्नमेंट है कि इसके खिलाफ जन आंदोलन आज न कल लोग निकलेंगे। अभी भले ही मन में जहरीला बना दिया है, लेकिन जहरीला सांप को भी भोजन भी चाहिए। जो देशभक्त बने हुए हैं और मोदी भक्त बने हुए हैं, ये दोनों के लिए जीवन मरने का प्रश्न आएगा। ये क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जिस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, स्मृति ईरानी एक दो रुपया बढ़ने से पूरा तांडव मचाती थी। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज वो कहाँ है, किस बिल में छुपी हुई है और वो आज क्यों नहीं आती है। आज महंगाई से लोग पूरी तरह से त्राहिमाम है, पूरी तरह से परेशान है। आम जनता का जीना बेहाल हो चुका है। जहाँ आप सिलेंडर की बात करिए या पेट्रोल की बात करिए, डीजल आज 102 रुपया लीटर मिल रहा है, जिससे कि बहुत सारे व्यवसायिक भी जो है आपका प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सबको केंद्र सरकार अपने नज़र में रखते हुए आम जनता की जो समस्या है महंगाई, उसमें बहुत कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है, इसमें एक्शन लेने की जरूरत है और महंगाई को कम करने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग बहुत फंसने वाले और आगे अभी जो है इकोनॉमिक और ज्यादा गड़बड़ाने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना, अगर महंगाई पर रोक नहीं लगेगी तो ये ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।